वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने साल 2014 में देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद कम आय वाले लोगों को फाइनेंशियली सहायता करके उनको भी फाइनेंशियली मजबूत बनाना है। अभी भी जिन लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो इस योजना के तहत बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जा सकता है। सबसे पहले आपको जनधन योजना के फायदे बताते हैं। पीएम जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स को रुपे कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिस पर पहले 1,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता था, लेकिन 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन अकाउंट पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यानी इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको रुपे एटीएम कार्ड, 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज मिलता है। अगर आप जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं तो आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है, जरूरत के समय आप ये पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं। इसके साथ कुल 1,30,000 रुपए का लाभ भी दिया जाता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत खाता खोलना होगा। अगर आप अपना जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है, जनधन खाता खुलवा सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, अथॉरिटी से जारी लेटर जिसमें नाम, पता और आधार नंबर लिखा हो, या फिर उस दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिस पर आपका पूरा पता पूरी जानकारी के साथ हो। साथ में पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना खाता खुलवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका कोई पुराना बैंक खाता है तो उसे भी जनधन खाते में बदलवाना आसान है। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।